शांति आज की तारीख है 16 दस बीस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है पुरुषोत्तम मास चल रहा है जो संगम युग का विशेष यादगार है तो आज पुरुषोत्तम मास का लास्ट दिन है और हम सभी पुरुषोत्तम मास में यह मुरली डायरेक्ट भगवान की सुन रहे हैं तो मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे प्रश्न है कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे उत्तर है देह अभिमान की बीमारी इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो इसी में दूसरा है दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो ज्ञान चिता पर बैठो रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो गीत बजा है बड़ा प्यारा जाग सजनिया जाग नवयुग आया नवयुग आया धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु नंबर एक समझदार बन माया के तूफानों से कभी भी हार नहीं खानी है आंखें धोखा देती हैं इसलिए अपनी संभाल करनी है कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है नंबर दो अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन यानी राजेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण बनाने की सेवा कर रहे हैं हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं वरदान सतगुरु शिव बाबा का सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे भव बाप दादा कहते हैं कि रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए इसका भी कल्याण हो जाए उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ उसको दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए स्लोगन है यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति